नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूं और धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन की तरह काम करता हूं। जनसाधारण में न्यूरोसर्जरी को लेकर भय, भ्रांति और संदेह सभी है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह उनके मन में स्पष्ट नहीं है कि न्यूरोसर्जन की या न्यूरोसर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है। और इस सब के पीछे एक डर है कि न्यूरोसर्जरी का मतलब या तो मृत्यु या पैरालिसिस या वैसा ही कोई ऐसा विकार शरीर में आ जाएगा, ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जो कि दुस्सहाय होगी। इन्हीं भ्रांतियों को हटाने का आज मेरा उद्देश्य है। देखिए, आपको कब आवश्यकता पड़ेगी एक न्यूरोसर्जन की? न्यूरोसर्जन की आपको आवश्यकता दो तरह से पड़ सकती है। सबसे जो साधारण बात सबके समझ में आती है कि सर में चोट लगी है तो न्यूरोसर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट लगे या उसमें नसें दबने लगे तब भी जो है न्यूरोसर्जन इलाज करते हैं। इसके अलावा बीमारियां मूलतः तीन चार तरह की होती हैं, जो कि पैदाइशी रोग, खान पान के या वातावरण के प्रदूषण से जो रोग होते हैं, कुछ रोग जो कि उम्र के साथ शरीर में विकार आने पर उत्पन्न होते हैं, और कुछ ट्यूमर्स वगैरह जो कि हम किसी के भी हो सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं इस बारे में। देखिए, ब्रेन में हो या रीढ़ की हड्डी में हो, शरीर की संरचना जब माँ के पेट में 9 महीने में होती है तो उसमें यदा कदा कुछ विकार हो जाते हैं जिनका कई बार उपचार ऑपरेशन करके या न्यूरोसर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। जैसे कि सबसे साधारण यदि लें तो दिमाग के पानी का कंपार्टमेंट असाधारण रूप से फूल जाता है, पानी जमा हो जाता है और उससे प्रेशर उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है दिमाग में। इसको हम हाइड्रोकेफलस भी कहते हैं। ये जो है बड़ी आसानी से ट्यूब यानी कि वीपी शंट करके या आजकल नई तकनीक से एंडोस्कोपी से थर्ड वेंट्रिकुलोस्मी करके ठीक किया जा सकता है, जो कि फिर हमेशा के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चों के अंदर पैदा होने के साथ छोटी उम्र में ही ट्यूमर हो जाते हैं, इनको बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें सेफ्टी है और लंबे समय तक व्यक्ति ठीक रहता है। तो बच्चों से लेकर और बड़ों के अंदर जो बीमारियां होती हैं जैसे कि ट्यूमर हो जाना या चोट लगने से कोई नस दब जाए या दिमाग के हिस्से में चोट पहुंच जाए या खून का रसाव होके वहाँ पे क्लॉट बन जाए या उम्र के साथ जो विकार आते हैं, जैसे आँख में जैसे मोतिया हो जाता है ना, वैसे ही बहुत से विकार रीढ़ की हड्डी में और दिमाग में होते हैं समय के साथ, इनका इलाज भी न्यूरोसर्जरी में या तो ऑपरेशन से या कभी कभी बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है। सबसे साधारण जो कि शायद आपको भी मालूम होगा वो है रीढ़ की हड्डी में डिस्क का फैल जाना और नस को दबाना, जिससे कि हाथ में या पैर में तीव्र दर्द होता है, बिल्कुल करंट की तरह दर्द जाता है और उसको हम लोग ऑपरेशन से या दवाई से ठीक कर लेते हैं। तो न्यूरोसर्जरी का उपयोग बहुत तरह की बीमारियों में होता है। आपको कब जाना है न्यूरोसर्जन के पास, ये दो तरह से निश्चित होता है। जैसे मैंने कहा, सर में चोट लगी है, नेचुरली आप न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका इलाज आपके डॉक्टर करते हैं, और जब उसमें ऐसा लक्षण पाया जाता है या जांच में ऐसी दोष पाया जाता है कि उनको लगता है कि न्यूरोसर्जरी की या न्यूरोसर्जन के सलाह की आवश्यकता है, तब आप न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। जैसे कि सबसे साधारण लिया जाए या सबसे क्या कहा जाए, एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ आपसे कि हम सब की आँख की रोशनी यानी कि जो हमारी देखने की शक्ति है वो समय के साथ कम होती है, लेकिन यदि यही आँख की रोशनी तेजी से कम हो रही हो या बिना किसी कारण के चीज़ें धुंधली दिखने लगें या आपको दाएं बाएं तरफ की जो चीज़ें हैं ना दिखाई दें, सिर्फ बीच की चीज़ दिखाई दे, तो ऐसे में दोष आँख का नहीं है या आँख के लेंस का नहीं है, वो पीछे आँख की नस और दिमाग का है। जैसे कि इसका सबसे साधारण कारण होता है पिट्यूटरी ट्यूमर का होना। तो आपके आँख के डॉक्टर जब ये देखेंगे कि इसमें आँख का रोग ना होने के बजाय दिमाग में और आँख की नस में दोष है, तो वो आपको न्यूरोसर्जन के पास भेजेंगे। धन्यवाद।